आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के धनौली में बंद पड़े मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर 60,000 रुपए और लाखों रुपए की ज्वेलरी को लेकर बदमाश फरार हो गए। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही इलाकाई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें कि मलपुरा क्षेत्र के धनौली क्षेत्र की निखिल बिहार कॉलोनी में मौसम खान अपने परिवार के साथ रहता है। मौसम खान गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ देव शरीफ की दरगाह बाराबंकी गए थे। मकान में कोई भी नहीं था, इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने मकान के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और जिस रूम में नकदी और ज्वेलरी रखी थी उस रूम के गेट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। इसके बाद घर में रखी मोटरसाइकिल में बदमाशों ने पेट्रोल निकाली और रूम के दरवाजे के नीचे हिस्से को जलाया और गेट को तोड़ दिया। उसके बाद बड़ी आसानी से रूम में बनी अलमारियों के लॉक तोड़कर सभी सामान जिसमें 60,000 की नकदी और लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ले गए। अब गुरुवार की सुबह पड़ोसियों ने मकान के मेन गेट का ताला टूटा देखा तो वह घबरा गए और उन्होंने मौसम खान को फोन करके बताया कि आपके घर में चोरी हुई है। तुरंत मौसम ने पुलिस कंट्रोल रूम और अपने छोटे भाई को ये सूचना दी। सूचना पर छोटा भाई पहुंच गया, साथ में थाना मलपुरा SO तेजवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगे। तभी डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। थोड़ी देर बाद ही घटना की सूचना मिलते ही SP ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तेजवीर सिंह ने बताया कि मौसम के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। आसपास के CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। जल्दी पूरी चोरी की घटना का सफल अनावरण कर सामान को बरामद किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।